यहाँ पर आने के बाद उन तमाम अमेरिकन्स की जो कि असल में जिनके एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी सोच जानना चाहती थी कि इस वक्त वो पाकिस्तान जो कि मैप के ऊपर मौजूद है दुनिया के उस पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी बच्चे जो कि अरसे से या शायद बचपन से ही नहीं पाकिस्तान गए क्या सोचते हैं जी। उन लोगों के साथ बात करने का मौका, उनकी सोच जानने का मौका मिला। बहुत सारे सवाल थे उनके, बहुत सारे कंसर्न्स थे और मैं कोशिश करूंगी कि जब हम इस जर्नी में साथ साथ चलें, जब आप सब मेरे साथ होंगे तो उस जर्नी में हम उन इश्यूज़ को टारगेट करें जो ये पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए सोचते हैं और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वहाँ के जो यंगस्टर्स सोचते हैं वो इन लोगों तक पहुँचाया जाए। सना मिर्जा सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज जी हाँ, आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं जबरदस्त किस्म का ग्राउंड और यहाँ पर आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक विजिट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि पाकिस्तानी और इंडियन सॉकर प्लेयर्स जिनको आप फुटबॉल प्लेयर्स भी कह सकते हैं अपने अपने मुल्कों की उनको सिलेक्ट किया गया और उसके बाद USA के अंदर उनको एक विजिट की दावत दी गई है। यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस भी खेलेंगी और इसके अलावा गुड जेस्टर के तौर पर ये USA की मुख्तलिफ स्टेट्स में घूमेंगी भी। आज इन लड़कियों से बात करूँगी और इनसे पूछूंगी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंडिया के अंदर रहते हुए इनको फुटबॉल खेलना कैसा लगा, आखिर क्यों ये इस प्रोफेशन में आई और उसके बाद ये कि अमेरिका में आने के बाद अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि USA के अंदर रहते हुए ये अपना टाइम यहाँ पर कैसे स्पेंड कर रही हैं ये सब कुछ इनसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं और इनका मैच ख़राब करते हैं। नहीं अभी ये अभी रुक जाएं, ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इस तरह तो मुझे चोट लग जाएगी, क्या करूँ। अच्छा जी, अब मैं बहुत हिम्मत करने के बाद अब इस वक्त जाने लगी हूँ अंदर और अगर मुझे फुटबॉल लगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इन लोगों से पूछती हूँ कि ये लोग कैसे मैच एंजॉय करती हैं, कोई सुनी नहीं ना मेरी बात, कोई हमारी बात सुनेगा। मैं आप लोगों के कोच से परमिशन लेके आई हूँ, मैं आप सब लोगों से बात करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा आप लोगों का गेम खराब करूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, जिस तरह से काफ़ी डिफरेंट भी है। अच्छा, लेकिन काफ़ी चीज़ें सेम भी हैं। अच्छा, आयजा वही जो है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो पूरी टीम है इस वक्त इन मेंबर्स की, ये तकरीबन 20 से 22 लड़कियां हैं और ये मुख्तलिफ जगहों से, यानी कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, इंडिया की ज़्यादा हैं उनसे भी बात करूँगी, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ आने के बाद आए हुए कितने दिन हुए हैं। हमें अभी दूसरा दिन है, हम 11 और दूसरे दिन ही आके खेलना शुरू कर दिया। We love soccer. अच्छा, तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान से? Yes. पाकिस्तान में कहाँ से? इस्लामाबाद। I play for Young Rising Stars. We're the national champions of Islamabad 2 years in running. जबरदस्त। तो ये मौका कैसे मिला यहाँ पर आने का? Our club was informed to nominate girls that are under 18 to send to this trip and they nominated my name, so the Football Federation picked me. अच्छा। And then the embassy did the final selection. चलो ठीक है, इससे पहले कि आपके कोच हमें बाहर निकाल दें, मैं कुछ और लड़कियों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से, मैमुना शाह। अच्छा, तो अभी उन्हीं की टीम में से थी? नहीं, मैं डिफरेंट IFA से हूँ, इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, इट्स न्यू एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो यहाँ पर आने के बाद अभी कितने दिन और स्टे है? ये लोग तो 22 को जा रहे हैं, मैं 20 को जा रही हूँ क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, सो आई एम गोइंग अर्ली। तो एज अ फीमेल कभी मुश्किल नहीं लगता कि फुटबॉल खेलना? हाँ, मुश्किल तो लगता है, इधर तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान में इट्स हार्ड बिकॉज़ इतनी लड़कियाँ खेलती नहीं है, ट्रेनिंग के लिए इतना इकट्ठा करना लड़कियों को। वैसे यहाँ पे अभी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनसे भी बात करूँगी, आपके पास दोबारा आऊँगी। अच्छा, हमारे साथ तुबा मौजूद है। तुबा, आपका ताल्लुक कहाँ से? आई एम तुबा फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अच्छा, मुझे वैसे सारी पाकिस्तान से मिल रही है, मुझे इंडिया की लड़कियाँ अभी तक नज़र नहीं आई हैं। तो कैसा रहा मौसम यहाँ का? मैम वेल है, बट शाम गर्मी लग रही है, सर्दी हो जाती है, मुझे सर्दी लग रही है, मैंने स्वेटर पहना, शाम को ज़रा सर्दी हो जाती है। अच्छा, अभी यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? हम लोगों को तो 2 दिन हुए हैं, अब जो है हमें अभी जो है वो नेक्स्ट 2 वीक तक इधर ही है। तो अभी यहाँ पर आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंडिया से आने वाली बहुत सारी लड़कियों के साथ आप लोग खेल रहे हो, मज़ा आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा है, वो लोग भी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ अच्छा है और हमें यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा है, बिकॉज़ वी लव
this. We love this. We love what? Soccer. ऐसी पाकिस्तानी बच्चियाँ, वैसे मैं माई के साथ में पकड़ लूँगी. मुझे इन लोगों पे इसलिए फ़ख्र है क्योंकि ये पाकिस्तान से निकल कर आती हैं और अच्छा खेलती हैं, और जिस मेहनत से ये यहाँ पर खेल रही है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए खेलना चाहती हैं, उनको इसे सीखना चाहिए. क्या ख्याल है, सीखना चाहिए ना? या आई वॉन्ट टू से समथिंग. बिल्कुल बिल्कुल. इजाज़त है, क्यों है आपके लिए? मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को घर से नहीं निकलने देते, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का जैसा कल्चर और ये सब कुछ है, लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लड़की बाहर निकलेगी, इज्जत खराब होगी, डर डर. और मैं चाहती हूँ कि हर वो पेरेंट्स वो लोग ये प्रोग्राम देखें और वो लोग कुछ सीखें, और अपनी बेटियाँ जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, उनको घरों में बंद ना रखें, उनको मौका मिलना चाहिए अगर उनमें टैलेंट है तो. या और मैं चाहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा स्टडीज़ वो करें, और स्टडीज़ जो हैं वो, और मेहनत भी करें, और मेहनत भी करें, और फिर जो है वो. लेकिन 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 देखो, कुछ भी कर लो, तुम कितनी भी बड़ी प्लेयर बन जाओ, तुम्हें दाल चावल बनाना आना चाहिए. या आता है कि नहीं आता? चाय बनानी आती है? वैसे जब रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं अंडा तलना आता है, तो तुम्हें अंडा तलना आता है? मैं अंडा तलती नहीं हूँ, बॉयल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा. तुम बड़े दो नंबर काम करती हो मेरी तरह. मज़ीद अब पोल नहीं खुलवाऊँगी. अच्छा जी, अब मैं किसका खेल ख़राब करूँ? हैरानकुन था वहाँ पर, हर मुल्क के लोग मैंने देखे. और उससे भी दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि जो खुतबा दे रहे थे वो खुद एक पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली नहीं थे, उर्दू बोलने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक सयाह फाम थे और वो इंग्लिश में खुतबा दे रहे थे, और सब लोग खामोशी से सुन भी रहे थे. वहाँ पर यंगस्टर्स मैंने बहुत देखे, जिसको देख के मुझे खुशी का भी एहसास हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, जो ये कहा जाता है कि US के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं उनके लाइफस्टाइल्स में तब्दीली आ रही है, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर ठहर जाना चाहिए, यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सही नहीं समझ रहे हैं, और इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है. सना मिर्ज़ा, वन क्यूट लविंग बेबी ऑफ माइन एंड हर नेम इज चिंता. व्हाई योर नेम इज चिंता? नो आइडिया, इट्स माय सरनेम. यू नो पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड द वर्ड चिंता. चिंता मींस वरी. ओह रियली? सो व्हाई योर इन? इट्स नॉट रिलेटेड टू मी, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज हैप्पी. एंड व्हाट्स द रेस्ट ऑफ योर नेम? सॉरी, चिंता एंड व्हाट वाज अंजनी रश्मिता. यू कैन सी अंजनी. See, Chinta Anjani. So I'll call you Anjani, not yeah, Chinta, okay? Good. Ask your parents, Sana doesn't like my name Chinta. Okay, okay? I'll change it. She doesn't understand Urdu and Hindi, that is why I'm talking to them. But the rest of the two people, they can understand Urdu and Hindi. ये ज़ारा हैं, और मज़े की बात ये है कि इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि एक टॉम बॉय है बड़े मज़े की, जो कि इधर से उधर भाग रही है और खेलती भी बड़ा ज़बरदस्त है. तो ज़ारा कहाँ से है पाकिस्तान में? मैं रावलपिंडी से. रावलपिंडी से. कितने अर्से से वहाँ पर खेलती हैं? 2 साल से क्लब में खेलती हूँ, यंग राइजिंग स्टार्स. जी. तो यहाँ और कितनी पाकिस्तानी लड़कियाँ आई हैं? पाकिस्तानी टोटल 9 आई हैं कोच को मिला के. अच्छा जी जी. कैसा एक्सपीरियंस रहा USA में आने के बाद? इट्स डिफरेंट. ये है कि जो लव फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था 2009 में, तब मैं नहीं आ सकती थी, बस इस दफ़ा मैं आ गई हूँ, सो आई एम लकी. तो पाकिस्तानी लड़कियों के लिए इस किस्म का जो प्लेटफॉर्म है वो समझती हैं कि हेल्पफुल हो सकता है? हाँ, हेल्पफुल तो हो सकता है अगर पेरेंट्स अलाउ करें बच्चियों को खेलना. इस तरह मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. अगर हर पेरेंट अपनी डॉटर्स को इस तरह सपोर्ट करें तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान गर्ल्स. एक इंडिया से एक प्रियंका होती है, प्रियंका चोपड़ा. लेकिन मैं प्रियंका चोपड़ा से आपको नहीं मिलवाऊंगी, मैं आपको हैदराबाद की प्रियंका से मिलवाऊंगी. प्रियंका कैसी है? अच्छा. नमस्ते. नमस्ते. ये बताओ, पाकिस्तानी लड़कियों ने तंग तो नहीं किया? मैं पिटाई लगाऊंगी इनकी अगर तंग करेंगी तो.
In Hyderabad, I will speak in Telugu. Telugu? Oh, yeah. Telugu. I really like Telugu. Can you speak a little Telugu? Okay, what do you want me to say? About the game, that you like the game. Okay, e-game chala bagundi. E-game chala bagundi. E-game chalu? मेरे वो इंडियन व्यूअर्स जो कि ये गेम देख रहे होंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे, कम से कम इतना तो मैंने आप लोगों के लिए सीख लिया। We really like it because like this is the first time I'm meeting someone from Pakistan and they're so friendly. So I mean, it feels like we're at home. It's not like we are all family. So it's like it's a great experience, and I'll miss them if I'm gonna be at the end of this trip. So do you really think that for the females, for the young girls, it's a good platform to just offer, to be offered by the U.S. government or any government throughout the world? Do you really think? Yeah, it's a good platform for girls like from Pakistan and from India, and especially the US is supporting us, so that's a good platform, I guess. Yeah, girls can really go. We should give it a try. We just can't say that no, the girls cannot do this. They can just make bread. Oh, no, that's not true. That's really not true. Like the girls are not given much exposure. I want each and every part of the world to give girls the best exposure, so that they're going to reach great heights. Maybe better than boys. Of course, better than boys. Yeah. In India, girls not played very well, mm-hmm. but there is no support to play. क्या वो पैसे provide करती है? Government पैसे देती है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए? नहीं. तो कैसे खेलती हैं? Personal से खेलती है. हमारा अच्छा, वहाँ पर भी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर बहुत मुख्तलिफ नहीं है, अमूमन लड़कियों को कहते नहीं घरों में रखेंगे, छोटी उम्र में शादी कर देंगे. ये बड़ा मुश्किल होता है कि लड़कियाँ उसमें फ़ाइट करते हुए आगे चल सकें. तो क्या मुश्किल पेश आई थी पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि मुझे खेलना है? नहीं, जल्दी मान गए. इंटरेस्ट है. अच्छा, या चलो जबरदस्त. तो आपका योर पेरेंट्स ऑल्सो इंटरेस्टेड? या लाइक द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज ईच एंड एवरी पेरेंट is going to get a thanks from me, because my heartfelt thanks to all the parents, because they've supported us so much to get along for such a long distance, because none of the girls' parents will allow their children to go such a far distance. So especially girls for like in Pakistan and India, it's not that girls go very far away from parents, but it's a good thanks to parents. The Pakistani girls are playing here with all of you, but from being a Pakistani, and I think from a Pakistani audience, I will also invite you to my country. Do visit us, sure, and you know, I know lots of Pakistani girls and friends for you. Okay. Yeah, I know. I feel great because now I feel like coming to Pakistan. It feels really like home because I've got a lot of friends. I can go to anywhere. You are very irritating. Pakistani girls are they? No. It's a big no. Okay, then that's great. Okay, have fun. Okay. अच्छा जी, बहुत जबरदस्त किस्म की लड़कियाँ मुझे मिली, और भी कुछ लड़कियों से बात करूँगी, especially जो पाकिस्तान से टीम आई है, उनकी जो कोच हैं, उनसे भी बात करूंगी और पूछूंगी कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा. और लड़कियाँ चाहिए ना? इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि जो शादी जिस की हो रही थी वो एक क्रिश्चियन था, और जो उसका शह वाला था वो एक मुस्लिम था, लेकिन उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो उसको भी इंजॉय कर रहे थे और उसको भी सेलिब्रेट कर रहे थे. हर एक्सपीरियंस आपको कोई ना कोई चीज़ नई ज़रूर सिखाता है. सना मिर्ज़ा. You can score in any of those small goals. Oh. Which means what? That you have to defend all over the place. Yeah.
वैसे इनके साथ खड़े होकर मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ ना कुछ फुटबॉल खेली लूंगी, और अगर नहीं भी खेली तो कम से कम ये लोग मुझे सिखा जरूर देंगी। अच्छा जरा इन लोगों से पूछती हूँ कि इनका एक्सपीरियंस कैसा, तुमसे तो पूछ चुकी, तो फिर आ गई। अच्छा तुम लोगों से पूछती हूँ, तुम लोगों को हिंदी समझ आती है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं काटूंगी नहीं। कहाँ से हो इंडिया में? झारखंड से। झारखंड से, वैसे नाम बड़ा सुना है फिल्मों में, उनके सुने वहाँ के जो वो होते हैं ना डाकू, बड़े मज़ेदार होते हैं। तुम्हारे अभी लेटेस्ट डाकू कौन सा चल रहा है? अभी तो डाकुए नहीं। अच्छा जी, इनके यहाँ डाकू खत्म हो गए, अब यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर पैदा हो गए। आप कहाँ से? झारखंड। झारखंड से। फुटबॉल क्यों खेलना शुरू की? क्योंकि अच्छा लगता है, मेरा बचपन से हॉबी है कि मैं फुटबॉलर बनूं। अच्छा, मेरी तो अभी भी हॉबी है, मेरा बचपन अभी खत्म नहीं हुआ। कितने सालों से खेल रहे हैं? अब 4 साल होने जा रहा है। चलें माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के 4 साल से ये वहाँ उस जगह से खेल रही है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा है कि कोई शक नहीं। आज ये लोग इंडिया से यहाँ आने के बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को भी, और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली मैचेस भी खेल रहे हैं। और आप कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद में जब खेलती थी फुटबॉल मना नहीं करता था कोई? नहीं, कोई भी नहीं मना करता, सबको शौक। कमरा बंद करके तो नहीं खेलती थी? नहीं नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा रहा, आने के बाद बहुत कुछ सीखा है इधर आकर। और बेसिकली मेरी हॉकी थी, हॉकी प्लेयर, लेकिन फुटबॉल में आके ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फुटबॉल भी अच्छा है। चलें ज़बरदस्त। आपका ताल्लुक कहाँ से? रावलपिंडी, पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, I'm from गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, तो फिर तो गिलगित कहना चाहिए, बड़ी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। अच्छा, मैं गिलगित बल्तिस्तान से। फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी लड़कियाँ मिलके खेलती हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को मिलके खेलने का? वैसे तो बहुत कुछ सुना था कि इंडिया के मतलब लोग अच्छे नहीं होते, मतलब जितनी भी हम लोगों ने बातें सुनी हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सुनते रहे कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो इस बात में नहीं अच्छे, वो इस बात में अच्छे नहीं है। हम लेकिन यहाँ के सोच में तब्दीली हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग साथ रह रहे, हमारे रूममेट्स हिंदुस्तान के हैं, मतलब बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि वो हिंदुस्तान से और हम पाकिस्तान से, हम लोग एक जगह पर हैं, साथ रह रहे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, मज़ा आता है उनके साथ रहते हुए। चलो ज़बरदस्त। आपका ताल्लुक कहाँ से? इंडिया से। ये बिल्कुल मेरे साइज की है। इंडिया में कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा से। अगर ये बताओ नाम क्या है पहले, तो ये बताओ। मंदाकिनी प्रधान। मंदाकिनी नाम है? मंदाकिनी पता है बड़ी मशहूर हीरोइन होती थी। अच्छा ये बताओ कि उसने अभी जो बात की गिलगित से पाकिस्तान से, आप भी उस बात से एग्री करते हो कि यहाँ आने के बाद जो सोच एक जहन में थी कि पाकिस्तानी इंडियन साथ खेल नहीं सकते, जब क्रिकेट मैच होता है तो बस अजीब घूसा मारा मारी हो रही होती है, क्या ऐसा ही होना चाहिए हर वक्त? कभी कभी आप पीसफुली खुशी से भी खेल सकते हो और फ्रेंडली भी खेल सकते हो? अच्छा, पाकिस्तान घूमने के लिए ना? घूमने हमारी मतलब फ्रेंड्स हो गए सब। चलो नहीं, आपके हम भी फ्रेंड्स हैं, आपका पूरा पाकिस्तान फ्रेंड है, जब भी आना चाहो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, आप कहाँ से हो? मैं सियालकोट, पाकिस्तान। सियालकोट पाकिस्तान से हो? अच्छा, नहीं नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा, अभी कोई नहीं, प्रोग्राम के बाद चलना है। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम लोग साथ साथ इकट्ठे रह रहे हैं। अच्छा, लड़की होने की ऐसी कभी मुश्किल पेश आती है कि नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती, वो काम करूँगी, किचन में संभालूंगी? नहीं, कॉलोनी में आती है, क्योंकि हम लोगों का कोई कॉलोनी जो हम लोगों का सियालकोट में सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड क्लब है, वो भी वेमेंस का, और वो हमारे स्कूल का है। और मैं सिर्फ पहली लड़की हूँ सियालकोट से जो इंटरनेशनल लेवल पर आई है। चलो नहीं, हम लोगों को तुम पे प्राउड होना चाहिए और हम हैं भी। इस वक्त इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो लीड कर रही हैं दोनों, कैप्टन्स कहना चाहिए, कोचेस कहना चाहिए, हमारे साथ मौजूद है। पहले इंडिया से जो ताल्लुक रखती है उनसे बात करती हूँ, कहाँ से ताल्लुक है इंडिया में? इंडिया में मुंबई से हूँ मैं। अच्छा, और मेरा नाम अंजू है, आई एम हियर एज अ कोच। अच्छा, तो अंजू एक एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रही हो, इनके साथ मज़ा आ रहा है खेलते हुए? इट्स रियली वेरी वंडरफुल, लाइक पाकिस्तान के लोगों को तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उनका नाम से बहुत प्यार है, लाइक उनके नाम है तो बहुत अच्छे लगते हैं, एंड दे आर रियली वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, दे आर वेरी फ्रेंडली, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है, जैसे हमारे में सोच है वैसे वो लोग है नहीं है। तो अब पाकिस्तान से अगर इन्वाइट करेंगे तो फिर आप ज़रूर आना चाहेंगे, पाकिस्तानी खाने भी आपको खिलाए। ज़रूर। अच्छा जी, पाकिस्तानी टीम की जो कोच है, मैं इसलिए इनके ऊपर बहुत प्राउड फील करूँगी कि ये इतनी दूर से यहाँ पर आई हैं और पूरी टीम को सपोर्ट भी करी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर यह है कि ये पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद है, कुरतुलैन कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम अपने मुल्क से दूर यहाँ पर आए हैं, इंडियन और अमेरिकन के बीच में बहुत कम्फर्टेबल
फील कर रहे हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप दो ऐसी कौमें जो कि आपस में शुरू से कहा जाता है कि इनके बीच में टेंशन रहती है, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह मैंने आप सब लोगों से बात की, आप लोगों को खेलते हुए देखा, इतने फ्रेंडली हो आप लोग, तो क्या लगता है कि जो अब नई जनरेशन है वो इस चीज़ को अब समझना चाहती है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? एक्चुअली ये लोगों के बीच में तो कभी भी नहीं रहा, इट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड ऑल दिस पॉलिटिकल पीपल। हमारी आवाम तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहती है, और आने से पहले हमें थोड़ा सा टेंशन था मे बी कुछ ऐसा हो जाए, वी विल फाइट विद ईच अदर समथिंग लाइक दैट, बट आने के बाद वी फील सो कम्फर्टेबल। अच्छा, लड़की होने की हैसियत से फुटबॉल खेलना कितना मुश्किल लगता है? बहुत मुश्किल, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, बट यू नीड फैमिली सपोर्ट एंड स्पेशली योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिले तो यू कैन बी वेरी लकी, अगर नहीं मिले तो। थैंक यू सो मच कुरातुल्लाह, हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद थी। आज का जो एपिसोड हमने किया, हमने कोशिश की कि यहाँ पर आने के बाद उन पाकिस्तानी और उन इंडियन लड़कियों से मिल सके जो अपने अपने मुल्कों से वो एक मखसूस किस्म की सोच लेके आई थी जो इंडिया और पाकिस्तान की आपस में होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके तासुरात, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। यहाँ पर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पर उन्होंने एक साथ खेला, और अब जब वो अपने अपने मुल्कों में वापस जाएंगी तो वो ये सोच के जाएंगी कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन के भी रह सकते हैं। जब ये आजकल की बच्चियाँ, आजकल की लड़कियाँ ये सोच अपने अंदर ला सकती हैं, तो फिर हम पाकिस्तानी और इंडियन की हैसियत से क्यों नहीं ला सकते। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Which means what? That you have to defend all over the place. Yeah. You can't just back up and let them play because they'll go score. जुलाई मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अपने मुल्क में जश्न आज़ादी मनाते आते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं और ज़्यादातर हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि सब अपनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे अपने हैं लेकिन सब अलग अलग तहजीबों के, सब अलग अलग रंगों के लोग हैं। मैंने काले लोग भी देखे, गोरे लोग भी देखे, मुस्लिम्स भी देखे, इंडियंस भी देखे, पाकिस्तानी भी देखे, अफ्रीकन्स भी देखे। मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मुल्क का जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें। सना मिर्जा।